हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे ओनियन चिकन। उसके लिए हमने ओनियन, गार्लिक, जिंजर, कड़िया पत्ते, जीरा सब रेडी कर लिए हैं, चिल्ली भी काट लिए हैं और चिकन ले लिए हैं। हमने यहाँ पे 700 ग्राम चिकन लिए हैं। उसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। हमने यहाँ पे 1 चम्मच नमक दिए हैं, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर दे देंगे, थोड़ा स्पाइसी तीखा लगेगा तो मस्त लगेगा खाने में ये। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, अब जीरा पाउडर डाल देंगे 2 चम्मच। दोस्तों ये स्पून छोटा वाला है, टीस्पून बोलते हैं जो छोटा वाला, वो वाला है। हल्दी 1/2 चम्मच दे दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा फूड कलर में डाल के कॉर्नफ्लावर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, अपनी हाथों से इसको फेंट लेंगे। अच्छे से फेंटना है मसाला जो चिकन में अच्छी तरह से लग जाए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल समरीन किचन को। तो गरम गरम तेल में इसको छान लेंगे पहले, तेल जो है अपना गरम हो चुका था बढ़िया से। अब इसको छानना है, एक एक करके डाल देंगे। बढ़िया से इसको छान के निकालना है, फ्राई करना है तो कलर चेंज होने तक का। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसका बिल्कुल बढ़िया सा कलर चेंज हो चुका है। आप इसको स्टेनर या जाली चम्मच के सहारे से बाहर निकाल के बर्तन में रख लेंगे और उसी कढ़ाई इसमें दोस्तों हमसे बिगड़ भी है, गरम गरम तेल हमने ज़्यादा था, कांच की कटोरी में डाल तो कटोरी भी इधर फट के निकल गया। खैर हटाते हैं उसको, जाने दीजिए। अब इधर नई रेसिपी पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले जीरा डालेंगे तेल में, कड़िया पत्ते डालेंगे, जिंजर गार्लिक का कट पीस डालेंगे, चॉप करके रखे था हमने, हरे मिर्च यानी चिल्ली को भी डाल दिए, ग्रीन चिल्ली, और ओनियन डाल देंगे। इसमें हल्का सा नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। कुछ टाइम पकाना है दोस्तों, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, इसका कुछ कलर इस टाइप हो जाए तो सारा मसाला इसमें डालना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डालना है, हल्का फुल्का मसाला डालना है। तो हम देखिए यहाँ पे डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल 1/2 चम्मच दिए हैं। इसको देख के अच्छी तरह से भून लेंगे अदरक लहसुन को इसमें। अब हल्का सा पानी दिए हैं दोस्तों, इसका कलर कुछ इस टाइप हो चुका है। प्याज भी अपना नरम हो चुका है यहाँ पे पक के। अब सॉसेज डाल देंगे अपना, टमाटर सॉस डालेंगे सबसे पहले और उसके बाद में सोया सॉस डालना है, चिली सॉस डालना है। तो टमाटर सॉस को पहले अच्छी तरह से प्याज में मिला लेते हैं, इसके ऊपर में बाकी सारा सॉस ऐड करना है। दोस्तों हम यहाँ पे विनेगर या नींबू का रस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप चाहे तो इसमें विनेगर नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल हमें खट्टा नहीं करना था तो इसलिए हमने इसमें डाला नहीं है। विनेगर या नींबू का रस इसमें डाल सकते हो अगर आपको पसंद हो तो खट्टा। कॉर्नफ्लावर पाउडर हमने 1 चम्मच पानी में फेंट के रखा था, वो डाल देंगे। एक्स्ट्रा 1/2 कटोरी पानी डालना है यहाँ पे हमें, ये देखिए, इसलिए डाला है कि हमने जो चिकन को छान के रखा था उसका मसाला इसके अंदर में अच्छी तरह मिल जाए, घुल मिल जाए, तो इसलिए हमने डाला था। उसको हमें सुखा भी लेना है अभी। सो दोस्तों हमारा वीडियो जो है अब एंड होने वाला है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें हमारे सारे वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे अपना बढ़िया से ये देखिए रेडी हो चुका है। अब प्लेट में सर्व करेंगे, खाने का मजा लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।